इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है किसको को फोर एन स्क्वायर माइनस एट एन प्लस थ्री को तो कैसे करेंगे देखिए प्लस 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 होता है फोर थ्री जा ट्वेल्व एन स्क्वायर हो गया तो ट्वेल्व एन स्क्वायर अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके हमारा एट एन आए तो कैसे आ सकता है देखिए सिक्स टू ज ट्वेल्व करें तो सिक्स एन और टू एन अब क्योंकि दोनों को प्लस करना है तो दोनों का साइन ये वाला होगा जो इसका मिड साइन है तो दोनों माइनस के हो गए अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का एट एन आ जाएगा तो हमारा फोर एन स्क्वायेर माइनस सिक्स एन माइनस टू एन प्लस थ्री लिख सकते हैं इसको अब ब्रैकेट्स में कर लेते हैं फोर एन माइनस सिक्स एन पेयर्स बनाने के लिए प्लस माइनस टू एन प्लस थ्री अब देखिए इन दोनों में से टू कॉमन है और एन कॉमन है तो टू कॉमन हुआ और एन कॉमन हुआ तो क्या आ गया टू टूज ऑफ फोर एक एन माइनस टू थ्री जिक्स एक एन था एक एन ही कॉमन निकाल लिया अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन निकाल लिया तो क्या बच गया माइनस का टू एन प्लस थ्री बच गया लेकिन अब हमें यहाँ तो टू एन प्लस का चाहिए और थ्री माइनस का तो हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से तो टू एन इन टू टू एन माइनस थ्री एज इट इज और हमें पता है जब कॉमन निकालते हैं माइनस साइन तो प्लस माइनस माइनस होता है वन अब टू एन प्लस का हो गया और थ्री माइनस का हो गया अब ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई हैं दोनों तो जब सेम आ जाती हैं तो हम कॉमन निकाल लेते हैं और कॉमन निकाला तो यहाँ टू एन बच गया और यहाँ माइनस वन तो टू एन माइनस वन इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स माइनस थ्री को कैसे करेंगे अब देखिए प्लस माइनस माइनस और सिक्स थ्री जा एटीन एक्स राइट अब इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं प्लस माइनस करके माइनस सेवनटीन एक्स आना चाहिए तो देखिए एटीन वन जा एटीन हो सकता है राइट right? अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़े वाले का साइन तो ये वाला होगा और दूसरा वाला साइन प्लस का हो जाएगा राइट तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे सिक्स एक्स माइनस का एटीन एक्स प्लस का वन एक्स लिखें या एक्स लिखें बात एक ही है अब पेयरिंग कर देते हैं तो सिक्स एक्स माइनस एटीन एक्स एक ब्रैकेट में प्लस एक्स माइनस थ्री एक ब्रैकेट में अब देखिए इन दोनों में सिक्स कॉमन है और एक एक्स कॉमन है सिक्स तो और एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बच गया एक एक्स बचा माइनस थ्री अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन निकाल देंगे और अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे तो देखिए दोनों सेम आ गई तो हमने कॉमन निकाल लिया एक्स माइनस थ्री को तो क्या बच गया सिक्स एक्स बच गया और प्लस वन बच गया राइट right? तो दिस इज आर आंसर डू लास्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स माइनस सिक्स को तो कैसे करेंगे देखिए प्लस माइनस माइनस सेवन सिक्स ज फोर्टी टू एक्स स्क्वायर तो माइनस का फोर्टी टू एक्स स्क्वायर हो गया अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके नाइनटीन एक्स आ जाए तो हमें पता है ट्वेंटी वन टू ज हमारा फोर्टी टू होता है और माइनस करेंगे तो नाइनटीन आ जाएगा राइट अब माइनस का केस है तो बड़ी वाली वैल्यू का तो यही साइन हो जाएगा और दूसरी वाली वैल्यू ऑपोजिट साइन की हो जाएगी राइट तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे सेवन एक्स स्क्वायेर एज इट इज माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स अब ब्रैकेट्स में कर लेते हैं तो सेवन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स एक ब्रैकेट में प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक ब्रैकेट में तो आप देखिए इन दोनों में से सेवन कॉमन है और एक्स कॉमन है तो सेवन एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बज गया एक एक्स बच गया और माइनस देखिए सेवन जो ट्वेंटी वन और एक एक्स था एक एक्स ही कॉमन निकल गया तो थ्री आ गया प्लस अब इन दोनों में से टू कॉमन है तो टू कॉमन निकला तो क्या बच गया एक एक्स बच गया और माइनस थ्री अब देखिए ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ गई है तो हम क्या करेंगे x माइनस थ्री को कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा सेवन एक्स बच जाएगा प्लस टू तो दिस इज आर आंसर